मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसबीआई क्लर्क की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी सिलसिले में जो है, हम लोग आपसे आज क्लास हमारा 4 है ये, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि इस लिस्ट में हमने टेबल, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ट्रिक टू स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कर लिया था। लॉ ऑफ इंडिसेस और बॉड मास भी कर लिया था। एक जो चीज यहाँ बच गया था वो था ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, है ना। आज जो है हम इसको करेंगे, और फिर यूनिट डिजिट मेथड और डिजिटल सम मेथड करेंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी बचा है, तो इसको हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क का हमारा ये सीरीज चल रहा है, और हम आपसे बार बार कहते रहते हैं कि इस साल हुए जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, या अभी एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ, उसमें आपने, हम लोग आपसे कहते हैं कि सभी एग्जाम्स हम लोग खुद अपियर करते हैं, उसमें हम लोग उसको क्लियर भी करते हैं, और उसका मार्कशीट हम लोग अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस आए कि जो उनको कराया जा रहा है, हम लोग खुद वो पेपर देते हैं, उसके कंटेंट को, एग्जाम में किस तरह का एटमोसफियर रहता है, किस तरह से टाइम लिमिट में बनाना है क्वेश्चन, ये हम लोग जब समझते हैं तभी आपको समझा सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया, तो मैं आपका रिजल्ट थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। एसबीआई पीओ आप जानते हैं 2000 वैकेंसी थी पूरे देश में, और जनरल की तो 1000 ही हुई। तो ये आप मेरा देखिए रिजल्ट है, हर्षवर्धन पांडे मेरा फुल नेम है, और जनरल कैटेगरी। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने 61 स्कोर किया, जबकि हम लोग अब इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, आप देख रहे हैं दिन भर हमें वीडियो ही बनाना है। फिर भी जिस भी सब्जेक्ट में जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो लोग इतना उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में जाके बस उसी सब्जेक्ट के बल से वो एग्जाम निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स टाइप का एग्जाम तो एटलीस्ट। फिर अभी आपने देखा होगा आरआरबी पीओ का भी मेरा मेंस का रिजल्ट आया था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, और उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो बस यही बात है कि एसबीआई क्लर्क भी जो है, एसबीआई क्लर्क में तो एसबीआई पीओ से बहुत ज्यादा वैकेंसी और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी कम रहता है। तो आप लोग इस चीज को रिलीजियसली फॉलो करें, और मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपको इसका फायदा होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से। तो आइए देखिए, इसमें मैं बहुत सारा आपको पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो है एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, और उन सभी पॉइंट्स को आपको कलेक्ट करके रखना है अपने पास, ठीक है। तो जाके आपका इसमें काम होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 132 इंटू 12 और आपसे पूछूं इक्वल टू कितना, तो हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसमें क्या करते हैं कि उसमें अपने जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसमें इसको लिखना शुरू करेंगे। अगर एग्जाम में तो ऐसे डायरेक्ट लिखा रहता है, वो इसको ऐसे 132 इंटू 12 लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, और ऐड करके यहाँ आंसर निकालेंगे। जिसमें देखिए होता क्या है ना, कि आप जब इसको दो बार, एक आपने क्वेश्चन देखा स्क्रीन पर, वहां से आपने पहले इस फॉर्मेट में लिखा, फिर दो बार लिखा, फिर जोड़ के लिखा, तो लिखने में क्या है कि टाइम जाता है। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के 5 मिनट में 15 क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तो डायरेक्ट टेबल पढ़ने आना चाहिए। जैसे अगर लिखा हो 9 × 6, तो आप सोचेंगे नहीं कि इसमें आप ऐसे नीचे करके लिख लेते हैं, आप सीधे कर देंगे 9 × 6 होता है 54, तो आप लिख देंगे 54। उसी तरह यहाँ भी करना है, 12 × 2 कितना होता है 24, 24 का आपको लिखना है 4, आपके हाथ में बचा 2। 12 × 3 = 36, और 2 × 38 का आपको लिखना है 8, कितना बचा 3, और 12 × 1 = 12 और 3 = 15, तो 1584 जो है इसका रिजल्ट हो गया। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 158 × 17 इज इक्वल टू कितना, तो आपको पता होना चाहिए 17 × 8 = 136 का 6, 13 बचा, 17 × 5 = 85 और 13 हो जाएगा 98 का 8, 9 बचा, और 17 × 1 = 17 और 9 = 26, 2686। तो ये जो स्पीड है ये आप में तभी आएगा जब आपको टेबल अच्छे से याद होगा। अगर आपको याद ही नहीं है कि 7 × 8 कितना होता है, 17 × 8, तो फिर आप कैसे बना पाएंगे। इसलिए मैंने पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि टेबल 20 तक बहुत अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते थे, आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि ये हमारा
क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम प्रैक्टिस तो आपको क्वेश्चन देंगे लेकिन आपको खुद से भी जो है करना है। तो आप इस चीज को समझ गए तो अब इसको आप खुद से ले लेके, जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे 154 × 13 और खुद से ट्राई करिए, है ना, और उस पर देखिए दो चार करके ऐसे, तो आपका इसमें स्पीड आ जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। 2 डिजिट के नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए एक बहुत खास ट्रिक है। जैसे अगर लिखा हो 28 और 33, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं, तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको 2 बार करेंगे, 3 से ऐसे करेंगे, लिखेंगे फिर एक बार लिखेंगे फिर ऐड करेंगे और आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि नहीं, 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार में कैसे आंसर आ सकता है 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके लिए भी तरीका है हमारे पास और हम कैसे इसको करेंगे देखिएगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको लिखिए 3 8 जा, तो 3 8 जा कितना होगा 24, तो लिखिए 4 और आपके हाथ में कितना बच गया 2। ये स्टार्टिंग में अभी आपको लिखवा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब लिखना नहीं है, सब मन में रखना है, मतलब दिमाग में रखना है। 3 8 जा 24 का 4, हाथ में कितना बचा 2। सेकेंड स्टेप में 2 काम होगा, इस 3 से 2 में और इस 3 से 8 में 2 मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना होगा, तो 6 और 24 30 और 2 32, तो 32 का आपको लिखना है 2 और आपके हाथ में क्या बच गया 3, और लास्ट स्टेप में 3 2 जा 6 और 3 9, इसका आंसर आएगा 924, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 57 और 24, मैं चाहता हूं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 1 लाइन में, तो आप कैसे करेंगे, 4 7 जा 28 का 8 2 बचा, 4 5 जा 20 और 2 7 जा 14, इसको बार बार लिखिएगा मत, अगर लिखने लगे तब तो फिर फायदा क्या रहा इसका, 4 5 जा 20 और 2 7 जा 14, तो 20 और 14 34, और 34 और 2 36 का सीधे 6 लिखेंगे, हाथ में बच जाएगा 3, और 2 5 जा 10 और 3 30। तो ये है स्टेप्स, है ना, पहले एक होगा, फिर सेकंड स्टेप में 2 और फिर लास्ट स्टेप में 1, ठीक है। तो इस तरह से जो है मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आइए और इसको आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा 37 26 का मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या करेंगे, 6 7 जा 42 का 2 4 बचा, 6 3 जा 18 और 2 7 जा 14, तो 18 और 14 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 और 4 36 का 6 लिखेंगे 3 बचा, 2 3 जा 6 और 3 9, तो इस तरह से 962। तो इतना फास्ट आपको करना है, अगर वही आप इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा, 3 7 2 6 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 का, मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो फिर तो आप एक लाइन में नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे 6 7 जा 42 का 2 लिखेंगे, 2 4 बचेगा, 6 3 जा 18 और 4 22, फिर लिखेंगे 2 7 जा 14 का 4 1 बचा और 2 3 जा 6 और 1 7, है ना। तो होगा क्या कि यहाँ 2 आएगा, 4 2 6 आएगा और 7 2 9 आएगा, तो देखिए सेम ही आंसर आएगा लेकिन ये वाला थोड़ा प्रोसेस फास्ट है। और एक खास बात क्या है कि देखिए, एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आप टेडेक्स टॉक सुनते हैं, टेड टॉक एक होता है यूट्यूब पर, टेडेक्स टॉक या टेड टॉक ऐसे आता है, आप ये सर्च करके जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अगर आप टेडेक्स टॉक सुनते हैं या फिर सुनेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई भी जो जिस भी फील्ड में है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, जो जिस भी फील्ड में है और वो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, उसने कुछ अच्छा किया है, तो उनको वो लोग प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ आकर जो है अपना एक्सपीरियंस और आपकी जर्नी के बारे में शेयर कीजिए और बताइए। तो वही मैं सुन रहा था, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, वो मतलब समझते हैं आप न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होता है, तो उसी के माइंड के वो लोग साइंटिस्ट थे, तो और वो डॉक्टर भी थे। तो मैं उनका एक टॉक सुन रहा था, तो वहां पर वो बहुत अच्छी एक बात बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए, जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी इंटेलिजेंट, या फिर इंटेलिजेंट क्या है, मतलब किसी डेवलप्ड माइंड और किसी अंडर डेवलप्ड माइंड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि जो थोड़ा डेवलप्ड माइंड है उसमें बहुत सारे चैनल्स बने होते हैं। चैनल्स कैसे बनते हैं, तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक रोड से कहीं गुजरते हैं, ठीक है,
जैसे आप अपने स्कूल से अपने घर, आप अपने स्कूल जैसे गए या फिर कॉलेज गए, तो जब पहले दिन जाएंगे कॉलेज तो उस समय आपके दिमाग में चैनल बनेगा, है ना। और फिर जब 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने चले जाएंगे तो अब वो क्या है कि वो चैनल बन चुका है। तो अब आप कुछ भी सोचते हुए अपने कॉलेज चले जाएंगे और बिना कुछ सोचे, मतलब कुछ और सोचते हुए कॉलेज से घर आ जाएंगे, कोई नया चैनल डेवलप नहीं होगा। लेकिन जब आप पहली बार जाते हैं तो वहां पे चैनल दिमाग बनाता है। तो जितने चैनल रहेंगे उतना ज्यादा माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ती है, वो उतना ज्यादा एडवांस होता है, वो उतना ज्यादा प्रेशर ले सकता है, मतलब उतना ज्यादा काम कर सकता है। तो इसी बात को समझते हुए कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा माइंड में चैनल बने तो आप क्या कीजिए, कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे जहां भी आप जाते हैं थोड़ा रास्ता चेंज करके जाने की कोशिश कीजिए कि आसपास के कोई रास्ते से गए, एक ये हो सकता है। या फिर सुबह उठ के आप अगर राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश कीजिए, तो उससे माइंड में नया चैनल बनेगा, तो इसका फायदा होता है। उसी तरह जो मल्टीप्लीकेशन है, हम नॉर्मल तरीके से तो करते ही हैं, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से, हम इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, अगर आप इस तरह से करना शुरू करेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें माइंड में एक नया चैनल बनेगा। और इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक टाइम में 3 4 डेटा याद रखने के लिए माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। अभी पहले पहले आपको थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट, इसमें तो तीन तीन याद करना पड़ रहा है, ये कैसे होगा, इससे अच्छा तो वही है। ये होता है सबके साथ, जब भी चैलेंज आता है, माइंड पर प्रेशर आता है, तो वो बहाने खोजता है, कुछ ऐसे बता दो, कुछ बोल दो, अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन बात समझिएगा, इससे आप अगर प्रैक्टिस करने लगे, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से लिख के जो मैंने आपको तरीका बताया, इस बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका फायदा होगा। और जब सिंप्लीफिकेशन सेक्शन आप टारगेट करेंगे तो वहां पर 2 3 डेटा याद रखने के लिए अगर आपका दिमाग तैयार है तो इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा वहां, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 2 डिजिट में ही कुछ इस तरह के भी मल्टीप्लीकेशन होते हैं जहां आपको ध्यान रखना है, जैसे 72 × 68। अब ये एक खास मल्टीप्लीकेशन है, इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको ये समझना है कि देखिए एक चीज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं कि ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यानी जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख जाए मल्टीप्लाई में, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये देखिए, यहां आप देखेंगे कि 72 क्या है, 70 + 2 है, और 68 क्या है, 70 - 2 है। यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 70² - 2 का स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या कि 70 का स्क्वायर आप जानते हैं 4900 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 1 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आपके पास 900 रुपीज है, कोई 4 रुपीज मांग लेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 896, ठीक है। तो इस तरह से 4896। तो अब देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि जहां भी हमें दो ऐसे नंबर्स दिखेंगे जो किसी जीरो एंडिंग नंबर से, जैसे 70 एक जीरो एंडिंग नंबर है, तो उससे एक नंबर जितना ज्यादा है दूसरा नंबर उतना ही कम है, तो उसमें हम ये वाला मेथड लगाएंगे। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, आपको सबको नोट करते चलना है, और आप देखेंगे कि विथ टाइम, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन सब कुछ आप कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से, और जब इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब मैं आपको अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन करा रहा होऊंगा, तो उसमें भी जहां भी पॉसिबल होगा फास्टर कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ट्रिक टेक्निक तो हम डिस्कस करेंगे। तो विथ टाइम इस 40 दिन में आप इवॉल्व हो जाएंगे, और आपको खुद ही क्लिक करेगा कि अच्छा यहाँ पे ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आइए मैं आपको कुछ एक दो पहले इसका और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 52 × 48, इसको क्या करेंगे, आप जानते हैं ये 50 + 2 है और ये है 50 - 2, तो इसका मतलब है ये 50 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 500 में से कोई 4 रुपीज आपसे ले ले तो आपके पास बचेगा 2496, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी एक और चलिए देख लेते हैं, 63 × 57, सो दिस इज 60 + 3 एज यू कैन सी, एंड दिस इज 60 - 3, सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट इट 60² - 3 स्क्वायर, 60² इज 3600 - 3² इज 9,
यू हैव 600 रुपीज, समवन आस्क यू फॉर 9 रुपीज, सो यू आर लेफ्ट विथ 300, 3591. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन. नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स. देर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स हियर जो हमें समझना है. ठीक है, हमने, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से क्या क्या सीखा. हमने सीखा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है टेबल पढ़ के, 12 का टेबल, 13 का टेबल. फिर हमने टू डिजिट के मल्टीप्लाई का ट्रिक सीखा. फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखा. अब आपको कुछ स्पेशल ट्रिक बताते हैं. देखिए ये स्पेशल है और स्पेशल केस में लगता है. इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी लगेगा. इसके पहले जो हमने सीखा वो हर जगह लग जाएगा, है ना. लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन पर बेस्ड है. जैसे 32 इंटू 38, 104 इंटू 106, ये दो नंबर लेते हैं. ठीक है, इसमें देखिए कंडीशन क्या है. कंडीशन ये है कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हो और उसमें वो कुछ इस तरह से हो कि यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट कहलाता है 2 और 8, तो यूनिट डिजिट को ऐड करने पर हमेशा 10 आना चाहिए. दिस इज कंडीशन. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, इस वाले ट्रिक को. तो यूनिट डिजिट को ऐड करने पे 10 आना चाहिए और पीछे का नंबर क्या होना चाहिए, सेम. पीछे का नंबर क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए. यहां भी आप देखें कि ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 का एडिशन कितना होता है, 10 होता है. और पीछे का नंबर 10 और 10 क्या है, सेम है. तो अगर इस तरह की बात है, जब भी इस तरह की बात होगी कि यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 आ जाएगा और पीछे का नंबर क्या होगा, सेम होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाएंगे. यानी 2 8 जा 16 लिखेंगे और इस 3 को 1 इंक्रीज कर देंगे तो 4, और 4 into 3 12. यानी दिस इज माई आंसर. यहां आप देखें 4 6 जा 24 और इस 10 को 1 इंक्रीज करेंगे तो 11 into 10 110. तो मुझे उम्मीद है आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे. ठीक है, कुछ खास बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है. दो कंडीशन होना चाहिए कि पीछे का नंबर सेम हो और यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 आए. ठीक है, यहाँ देखिए पीछे का नंबर सेम है, यूनिट डिजिट को जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाएंगे कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखेंगे और पीछे का नंबर 1 इंक्रीज करके उसको पीछे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे. तो 1 इंक्रीज होगा तो 11, 11 into 10 110. एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. जैसे 72 into 78, हम क्या करेंगे इसका, 8 2 जा, देखिए 8 और 2 जोड़ने पे 10 आ रहा है, 7 7 सेम है, तो 8 2 जा 16, और 7 को 1 इंक्रीज करेंगे तो 8 8 7 जा 56, तो 5 6 1 6. आप देखिए, मैं आपसे कहूँ 75 into 75, तो भी सेम कहानी क्या होगा, 5 5 जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो 5 5 जा 25, और 7 को 1 इंक्रीज करेंगे तो 8 8 7 जा 56, है ना. तो इस तरह से इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन. जब भी यूनिट डिजिट को, मैंने अभी आपसे कहा, बार बार मैं इसको रिपीट क्या करूँ, समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो इस तरह से जो है चीजें हैं यहाँ पर. इसमें एक आप गलती क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाए कि 62 into 78, तो यहाँ पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे का नंबर सेम नहीं है. यूनिट डिजिट जोड़ने पे तो 10 आ रहा है, बट दिस इज नॉट सेम, दिस शुड बी सेम, है ना. जो पीछे यूनिट डिजिट के जस्ट पीछे का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर एक 7 है और एक 6 है, सो हेयर वी कैन नॉट अप्लाई आवर ट्रिक. यहाँ ट्रिक नहीं लग सकता. यहाँ वो लग सकता है जो नॉर्मल हमारा है कि 62 78 लिखेंगे और एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर देंगे. जो अभी हमने सीखा कि 8 2 जा 16 का 6 1 बचा, 8 6 जा 48, 7 2 जा 14, तो 48 और 14 कितना होगा, तो आप कहेंगे होगा ये 62, 62 और यहाँ से 1 बचा है हाथ में, तो 62 और 1, 63 का 3 6 हो जाएगा, और 7 6 जा 42 और 6 48. ठीक है, घबराना नहीं. देखिए 8 2 जा 16 का 6 लिखा, हाथ में बचा 1, 8 6 जा कितना होगा मल्टीप्लाई, पहले तो इसको करते हैं, फिर 8 6 जा 48 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ, तो 14 और 48 कितना होगा 62, और 62 और 1 63 का 3 लिखा, तो 6 बचा हाथ में. फिर क्या किया, 7 6 जा 42 42 और 6 48, तो दिस इज माय आंसर. ठीक है, विथ प्रैक्टिस क्या है ना, कि आप भी इसमें एक्सेल करेंगे. विथ प्रैक्टिस जो है
विल नॉट सर्वाइव बट थ्राइव इसमें, है ना। तो इसमें वही है विथ प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तो आप खुद बहुत फास्ट इसमें कर पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ले लेके क्वेश्चन खुद से, है ना। तो ये चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आइए देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि मैनुपुलेट भी करने आना चाहिए आपको, मैनुपुलेशन, मल्टीप्लीकेशन में मैनुपुलेशन होता है, चलता है वो चीज। जैसे अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करना हो 99 से 57 में, तो आप देख रहे हैं कि ये देखने में ही बहुत खतरनाक लग गया, अच्छा नहीं लगा। या फिर मान लीजिए 999 है और बड़ा कर, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने में, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह का मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि 999 जो है वो क्या है, 1000 माइनस 1 है, और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई है, 57 से। तो अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि 57 से 1000 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 57,000, और फिर 57 से 1 में करो तो कितना होगा, 57। अब इसको माइनस कर दो यहाँ, है ना, ऐसे करके लिख कर, जैसे भी करके कर सकते हैं। तो माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कि देखिए भाई ये जो 10 है, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, है ना, ये हो जाएगा 9, 9 का 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो 5 6 9 4 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहलाता है मैनुपुलेशन, जहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और चीजों को अपने हिसाब से मैनुपुलेट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 72 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि देखिए मैनुपुलेशन कैसे करते हैं, इस चीज को समझिएगा। 25 से मल्टीप्लाई, 25 का टेबल याद नहीं है आपको, हो सकता है याद हो, 25 तो थोड़ा इजी नंबर है, कि 25 टू जा 100 होगा, ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो क्या करना अच्छा होगा कि आपको समझना होगा कि 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम 5 को लिख सकते हैं 10/2, है ना। 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4। हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8, इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। ये सब चीजें जो है ये मैनुपुलेशन में काम आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 इज नथिंग बट 100/4, क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड करने पे 25 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 72 इंटू 100/4। अब 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे, इजी है, 4 1 जा 4 3 बचेगा 32, 4 8 जा 32, तो 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1800। सो दिस बिकम्स अ लिटिल फास्टर, है ना, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, 25 को आप 100/4 से, 5 को 10/2 से इससे रिप्लेस करके भी चीजों को कर सकते हैं जब आपको लगे। 5 का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 का आपको टेबल ही याद रहता है, लेकिन इन दोनों चीजों में इसका जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, अब क्या है कि इसका लिमिट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक का लिमिट नहीं है। आप टेबल बहुत अच्छे से याद कीजिए, सबसे ज्यादा तो वही काम आएगा, और बाकी जो हमने चीजें सीखी इसके बाद भी जहां जैसे जैसे आप मैनुपुलेट कर सकते हैं, आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहां मैं और फास्ट कैसे कर सकता था, और मैनुपुलेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, जितना आप उसमें सॉल्व करते जाएंगे आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो खुद से बहुत सारे नंबर्स लेके बैठिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत सारा ट्रिक मैंने आपको यहाँ बताया ही, और एग्जाम के क्वेश्चन ही लेकर बैठिए ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन का, और मैं तो कराऊंगा ही यहाँ। ठीक है, तो हो जाएगा। आइए और देखते हैं, एक होता है हमारा बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक क्या होता है हमारा बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देखिएगा क्या चीज है ये। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 98 और 97 को, ठीक है, आई नीड टू मल्टीप्लाई देम। तो हमारा बेस मेथड क्या कहता है, हमारा बेस मेथड कहता है कि जब आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों नंबर 100 या फिर किसी भी जीरो एंडिंग नंबर, 100 200 300 जिसमें लास्ट में जीरो आता हो, 150 60 70 कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में जीरो आता हो, जब कोई दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों नंबर किसी जीरो एंडिंग नंबर के आसपास हो, और आसपास से मेरा मतलब है कि जो जीरो एंडिंग नंबर आप बेस पकड़ेंगे जिसके आसपास की बात हो रही है, तो आसपास तभी कहलाएगा जब उस जीरो एंडिंग नंबर के से इन दोनों नंबर का डिफरेंस विद इन 9 हो। यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने बेस, मैंने कहा कि 80 होगा, तो 80 बेस नहीं होगा, क्यों, 80 से 98 का डिफरेंस कितना है, 18 का, तो डिफरेंस 9 के अंदर रहना चाहिए।
डिफरेंस जो है, जो आप बेस लेंगे वहां से इन दोनों नंबर का डिफरेंस विद इन 9 होना चाहिए और वो जीरो एंडिंग नंबर भी होना चाहिए, तब जाके बेस मेथड लगता है। तो जैसे यहाँ पे हम बेस क्या ले सकते हैं 100, क्योंकि 100 से 98 का भी और 97 का भी जो डिफरेंस है वो विद इन 9 ही है, 9 के अंदर ही है। तो बेस ले लिया 100। 100 बेस लेने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि 98 100 से कितना कम या ज्यादा है। तो ये तो कम है, और कितना कम है 2, तो अगर कम है तो माइनस और फिर 2, और ये कितना कम है तो ये -3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है विद साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा हो जाएगा 6। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन में, मल्टीप्लाई में, और 3 2 जा 6 होता है, मल्टीप्लाई है वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 98 से यहाँ का ऑपरेशन होता है। तो 98 अगर हम यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करते, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 98 -3 क्या होगा, 95, उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ करके यहाँ लिखना है। तो 98 -3 95। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, इस बेस से इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो 95 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 9500 और +6, तो कितना आ जाएगा आंसर, 9506। ठीक है, तो एक ये हो गया तरीका बेस मेथड का, है ना, बहुत अच्छा मेथड है ये, काम आता है बहुत, आपको दिखाऊंगा कैसे। आइए और समझते हैं, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 102 और 104 का। ठीक है, तो अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप इस बात को समझेंगे कि ये +2 है, ये क्या है, +4 है। ठीक है, 4 2 जा कितना होगा, प्लस का 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेस क्या है इसमें 100, आप समझ ही गए, 100 बेस है, और क्योंकि 100 से 2 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो +2 +4 ज्यादा है, तो प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई विथ साइन, तो +++ 4 2 जा 8, और फिर 102 + 4 106। 106 में इस 100 बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 00, और फिर +8 रहेगा, है ना। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10608। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको 103 में 97 से करना है मल्टीप्लाई, 98 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, है ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप बताइए बेस क्या होगा, तब कहेंगे बेस तो 100 है, क्योंकि 100 ही वो नंबर है जिससे दोनों नंबर आसपास हैं, है ना, और 100 जीरो नंबर है। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से कितना है, +3, ये कितना कम है, -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई विद साइन, तो प्लस माइनस क्या होगा, -3 2 जा 6, 103, और इसका ऑपरेशन होगा, यहाँ माइनस है तो 103 -2 कितना हो जाएगा, 101, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 101, और क्या होगा, 00। इसमें इससे मल्टीप्लाई किया और -6, तो बताइए आपके पास 10,100 रुपया है, कोई 6 रुपया मांग लेगा तो कितना बचेगा, 10,094 बचेगा, और इसी के लेके आप घर आ जाएंगे। ठीक है, तो 10,094। तो इस तरह से जो है हम इसको बेस मेथड को लगाते हैं। अभी कहेंगे आपका इसका यूज क्या है, देखिए खास बात इसका यूज जो है वो कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन में जब आ जाए 198 और 197 इसका मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, एक बहुत खतरनाक मल्टीप्लाई है। तो आप इसको क्या कीजिए, खट से मान लीजिए कि ये 200 200 के बेस के पास है, दिस इज क्लोजर टू द बेस 200, 200 से ये कितना कम है, आप कहेंगे -2, ये कितना कम है, -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो --+ 2 3 जा 6, 198 -3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 195 हो जाएगा जी। 195 में अगर 200 से मल्टीप्लाई करें तो आप समझिएगा इस बात को कि हम सिर्फ 195 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 2 जीरो लगा देंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा 10 का 0 1 बचेगा, 29 जा 18 और 119 का 9 1 बचेगा, 21 जा 21 और 3। ऐसे भी आप समझते हैं 195 का 2 गुना कितना होगा, 390 ही होगा, और ये 2 जीरो और लग जाएगा इसमें, और फिर +6, यानी द आंसर इज 3900 6।
तो इससे क्या थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये बेस मेथड था। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे तरीके सीखे, है ना, इसका हम यूज भी करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको यूनिट डिजिट मेथड के बारे में बता दूं, जो बहुत खास है ना। तो आइए समझिएगा यूनिट डिजिट मेथड। तो जो हमारा यूनिट डिजिट मेथड है, ये देखिए क्या कहता है। ये कहता है हमसे कि देखिए आपको याद होगा ये हमारा लिस्ट यहां पर है ना। तो इसी में हमने मल्टीप्लिकेशन ठीक कर लिया। अब हम यूनिट डिजिट मेथड देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें जो है मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा। तो यहाँ आज यूनिट डिजिट मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 121 इंटू 357 प्लस 456 इंटू 241, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आंसर दिया है ए बी सी डी। आंसर है 257166, दूसरा है 243143, तीसरा है 158718, और चौथा है 293422, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर मेरा आंसर होगा, है ना। तो आप इस बात को समझिए, आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि देखिए यार, जब मैं 121 में 357 से मल्टीप्लाई कर रहा होऊंगा, है ना, जब मैं 151 में 357 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा क्या कि मुझे ये बात समझना चाहिए कि 717 आएगा, उसके बाद मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा इधर लिखूंगा, फिर जब 5 से करूंगा तो एक डिजिट छोड़ कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद करूंगा तो एक डिजिट छोड़ कैसे लिखते हैं, फिर जब इसको ऐड भी करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 7, और 7 इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको बस इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। अगर यहाँ 7 है लास्ट में और यहाँ 1 है, तो 717 यानी इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7, और उसी तरह यहाँ क्या होगा 616, है ना। ये एक बड़ा सा नंबर आएगा मैं मानता हूँ, यहाँ भी एक बड़ा सा नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा 6 और यहाँ लास्ट में क्या होगा 7। अब एक बात समझिए, कोई भी एक नंबर उसके लास्ट में 7 है, कोई दूसरा नंबर उसके लास्ट में 6 है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 और 1 तो आ जाएगा हाथ में, तो इधर आगे बढ़ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पर लास्ट में कितना आएगा 3। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि यूनिट डिजिट को ही सिर्फ पकड़े, बाकी किसी को न पकड़े, तो हम समझ सकते हैं कि इस पूरे मल्टीप्लीकेशन से जो लास्ट में निकल के आएगा नंबर उसके लास्ट में कितना होगा 3, उसके यूनिट डिजिट पे 3 होगा। अब आपके पास ऑप्शन है 4, इसमें यूनिट डिजिट पे 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी ही है सही आंसर होगा, है ना। अब एग्जैक्टली यही होगा यहाँ पर, मैं तो समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका आपको यूज समझ में आएगा कि आप डायरेक्ट अगर यूनिट डिजिट को ही पकड़ते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं कि क्या है इसका आंसर। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे मैं कहूंगा 25 इंटू 428 प्लस 37 इंटू 127, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दूं ए बी सी डी करके, 52489, बी है 37286, सी है 42185 और डी है 32158, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो आप क्या कीजिए, आप पूरा इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप यूनिट डिजिट देख लीजिए एक बार कि ऑप्शन जो दिया है उसके क्या सभी यूनिट डिजिट एक ही है कि अलग है। तो आप देखेंगे बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सभी यूनिट डिजिट अलग होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 58 जा यूनिट डिजिट इनटू यूनिट डिजिट, 58 जा 40 यानी लास्ट में क्या आएगा 0, ये जो भी नंबर है इसके लास्ट में 0 आएगा, ये 7 इनटू 7 49 यानी ये जो भी नंबर है इसके लास्ट में क्या आएगा 9, और 9 और 0 ऐड होगा तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा 9,
तो आप देखिए यूनिट डिजिट में 9 कहाँ है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है चीजें आप कर सकते हैं बहुत फास्ट। तो आज हमने मल्टीप्लीकेशन ट्रिक देख लिया, यूनिट डिजिट मेथड देख लिया, अब हम अगले जो क्लास होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एसबीआई क्लर्क का, और एक दो जो टॉपिक छूट गया है डिजिटल सम उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए इस क्लास को, और एसबीआई क्लर्क तक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की जिम्मेवारी हमारी है, तो आप लगे रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।